हाय फ्रेंड्स, कोलकाता क्ले पॉट का पतले वाले का एक स्टॉक आ गया है लिटिल स्मोकी हाफ बेक्ड में। क्ले पॉट हमारा जैसा ही है वैसा ही है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है लेकिन पतला ही है। जो हम आदमी हमारा पतला बनाता है उसी ने ये बनाया है और बेक्ड भी उसी ने किया है। आप लोग थोड़ा स्टॉक देख लीजिए, उसके बाद हम पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे क्या कैसा है। ये देखिए, पतले में है, हाफ बेक्ड है, लिटिल स्मोकी है। और अगर सॉफ्ट है कि हार्ड है आप लोग ही बताइए, मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए, मेरा चीज़ है, मेरा सामान है, मैं तो आप लोगों को अच्छे बोलूँगी ही, लेकिन आप लोग देख के बताइए आपको कैसा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है या हार्ड लग रहा है। क्योंकि मेरी बताने से भी ज़्यादा आप लोगों को राय मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। जैसे ये है पेबल पॉट, ये बड़े मुंह वाले पेबल पॉट नहीं था, बहुत दिनों से ही नहीं था। ये देखिए, ये दो चार पीस इधर उधर था, वो मैं सैंपल की तरह डाल रही थी। और ये वाला पॉट भी हमारे पास ख़त्म हो गया। इसको मिनी सुराही इस तरह से बोलते हैं। ये हाफ बेक डिटेल स्मोकी में आया है। इसका मुंह देखिए, थोड़ा मोटे होते हैं, तो मोटे होने के कारण ये टूटता कम है, इसका ऐसा ही रेपुटेशन है। मतलब ये वाला स्टॉक टूट के एकदम भूसा बन के नहीं जाता है, इतना ही इसका रिकॉर्ड है। लेकिन ये अर्थी बहुत होता है। और ये है हमारा कोलकाता क्ले पॉट। मैं आपको इसका स्टॉक थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी, कैसा स्टॉक है आप लोग भी बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिस्क्राइब करने का तरीका एक ही है, क्योंकि मैं सबको पानी में डाल के दिखा देती हूँ। और अभी लाइट ऑन है तो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। लाइट ऑफ कर दिया है, देख लीजिए, ठीक है। और जिस तरह से ये लाइट ऑन कर दिया है, देखिए जिस साइड से स्मोकी है उस साइड से इसका मेल्ट होता है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। जैसे ये वाला स्टॉक है, देखते हैं, डालते हैं और उसको टेक्सचर क्लियर करते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, मेरी अगर राय आप लोग लेना चाहते हैं, कि कोलकाता क्ले पॉट जो है वो बिना बबल्स के ही लीजिए, क्योंकि बबल्स लगा के इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, टूटेगा ही। बहुत सारे चैनल है जो मेरी क्ले पॉट का रिव्यू देते हैं, उन लोगों ने टेस्ट के बारे में क्या बताया तो आप लोग रिव्यू में ही पढ़ लीजिए। लेकिन क्ले पॉट नॉन ग्रिटी होता है, हमारा ग्रिटी होता है, ऐसा रिव्यू मेरी नज़र में अभी तक नहीं पड़ा। और एक पड़ा था तो उन्होंने फिर से मुझे फ़ोन करके बताया था कि उनको किसी ने कहा था कि डिज़ायर मार्ट के बारे में उल्टा सीधा बोल लो तो तुम्हारा चैनल ग्रो करेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इसीलिए मैंने आपके चैनल के बारे में बोला था। तो उसके बाद से मैंने उनको ब्लॉक करके रख दिया है, खरीदने आए थे ऐसा कुछ। तो ये है देखिए, कोलकाता क्ले पॉट का लिटिल स्मोकी वाला स्टॉक है। तो मैं इसको रग रूंगी, देखिए। तो ये आपको सॉफ्ट लगा कि हार्ड लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पिछला स्टॉक था, नया स्टॉक है सॉरी। और पिछला स्टॉक जिसका वीडियो मैंने सुबह डाला है, मैं उससे भी एक क्ले पॉट लेके पानी में डाल के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अभी मेरे एक कस्टमर ने कहा है कि उनको लग रहा है कि उनका पार्सल का स्टॉक हार्ड है। तो आप मेरा पार्सल रख दीजिए, मुझे अभी नहीं लेना है, मुझे बाद में लेना है, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन उनका पार्सल तो पैकिंग हो गया है। ये देखिए पेबल पॉट, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको हार्ड लग रहा है या सॉफ्ट लग रहा है, बोलिए। डिज़ायर मार्ट को जिन लोगों को पसंद नहीं है उनको शिकायत यही है कि आप बहुत सॉफ्ट बनाते हैं, मुझे और भी हार्ड चाहिए। ये देखिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको मेरी क्ले पॉट पसंद ना आए या आपको लगता है कि हाँ इनका क्ले पॉट तो बहुत ही बुरा है, दाम ज़्यादा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए सभी कस्टमर हमसे ही खरीदेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे सेलर्स हैं, सबसे मिलजुल के लीजिए, सभी का बिजनेस चले। मेरा जितना चल रहा है मैं उसी में बहुत 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 खुश हूँ। इतनी बार बहुत बोलने का एक ही कारण है कि मैं बहुत सच में मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए मेरा एक ही मोटिव है कि सिर्फ सेल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पूरा साल काम मिलता रहना चाहिए और कुछ नहीं। वो लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके बच्चे। और एक बात बताओ, मेरे साथ जो तीन लोग काम कर रहे थे उनमें से दो लोग ऐसे थे जो गांव से आए थे और उनके बच्चे, मतलब आपको देखे क्या बताओ, मतलब लगता है कि रोड पर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका तीन बच्चे हैं, एक नहीं, और उनको उन्होंने स्कूल में दाखिला कर दिया है। और मेरे यहाँ पे जो स्लेट पेंसिल आप लोग देखे हैं वो लोग वो लेके जाते हैं दो चार पीस पांच पीस करके कि बच्चे लोग लिखेंगे। तो
मुझे अच्छा लगता है कि हाँ हेल्थ इशू होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो लोग चाहते हैं अपना अच्छा, उन लोगों का अच्छा भी होता है। तो आप लोग मेरी क्लेपॉट देख के ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लेपॉट हार्ड लगता है या सॉफ्ट लगता है। और कल का जो पार्सल स्टॉक आया था उसका भी मैं एक स्पॉट लिख के आती हूँ। ये देखिए मैं लेके आई हूँ, कल का स्टॉक था ये जो फुल स्मोकी में था और ये हाफ बेक में था। तो कल का स्टॉक है ये, कहाँ पर गया? हाँ, इन दोनों को मैं डाल रही हूँ। दोनों अलग अलग आदमी बनाए हैं, लेकिन कल का स्टॉक जो था वो उसमें फुल स्मोकी था, हाफ बेक था। और ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है, दोनों स्टॉक ही मुझे बताइएगा, कल का और आज का, दोनों स्टॉक में आपको क्या फ़र्क लग रहा है। ये देखिए ये कल का स्टॉक है, उन्होंने अभी अभी मुझे कहा कि आप मेरा पार्सल लेने दीजिए। देखिए मिट्टी देखिए, तो बोलिए ये आपको हार्ड लग रहा है कि सॉफ्ट लग रहा है। और ये स्मोकी वाला है, ये भी देखिए ये आपको सॉफ्ट लग रहा है कि हार्ड लग रहा है। स्मोकी में क्रंची, स्मोकी में कच्चे, सभी तरह के स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, तो अभी बताइए आपको ये सॉफ्ट लग रहा है कि हार्ड लग रहा है। मुझे ना बहुत दुख होता है, सबकी चॉइस देख देख के हम देने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ऐसा रिव्यू ज़्यादा नहीं है, एक दो है जिनको जो भी जितना भी करो उनको खुश नहीं कर पाओगे आप। तो ये है हमारा पेबल पॉट, ये सब आपको मिक्स क्ले पॉट में ये सब मिल जाएगा, जिसका प्राइस है 1 kg मिक्स क्ले पॉट 270 रुपीज़। लेकिन अगर आप अलग अलग करके ख़रीदना चाहते हैं, जैसे ये पेबल पॉट 1 kg या ये सुराही 1 kg, आपको विदाउट बबल्स 250 में मिल जाएगा, विदाउट बबल्स 250 में मिल जाएगा। 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, जितना ज़्यादा लेंगे प्राइस धीरे धीरे घटते जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही वीडियो डाल रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे फिर से हम देखते हैं।